उनको किसी ने देखिए आज दफा 370 हटने के बाद जो लोग यहाँ मिलिटेंट कार्रवाइयों में गतिविधियां कर रहे थे जिन ताकतों के ओर से उनको इशारा मिल रहा था वो इशारा बंद हो गया है। अब मिलिटेंटों की बौखलाहट है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। राकेश पिंटा हमारा त्राल म्युनिसिपल कम्युनिटी के चेयरमैन थे, उनके साथ साथ हमारे 20 कार्यकर्ताओं को शहीद किया गया है। बट आपकी वसाद से उन ताकतों को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकेगा न डलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हौसले बुलंद हैं। आज आप देख रहे हैं कि बारामूला में के कितने कार्यकर्ता मेरे साथ हैं जो अपने देश की सेवा में लगे हैं, अपने लोगों की खिदमत में लगे हैं। मिलिटेंटों की उस बौखलाना कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरेगा। सर, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, सर सुनने में आया कि जम्मू एंड कश्मीर को जैसे जम्मू को स्टेट दिया जा रहा है तो कश्मीर को नहीं। देखिए ये अपोजिशन का एक ड्रामा है। मैं आपकी वजह से यहाँ के अपोजिशन लोगों को कहना चाहूंगा, आज इन पेंडेमिक के दिनों में, आज इस महामारी में आप घरों में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दफा 370 हटने से पहले ही कहा, जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे तो जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं भी कहता हूं, मैंने भी बहुत बार प्रेस किया है कि जो भी हालात ठीक होंगे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। अलबत्ता इनकी ये बुखलाट है, ये कहते हैं कि जम्मू को अलग दर्जा दिया जाएगा, कश्मीर को अलग, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। जम्मू कश्मीर एक है, इंशाल्लाह एक रहेगा।